बलवंत गार्गी दे रेखा चित्र नाटक दी नक्कड़ दादी दा भाग दूजा। ओ आयरलैंड दे एबे थिएटर दियां गल्लां कर रही सी। लेडी ग्रेगरी दियां, बरनार्ड शाह दियां, गार्डन क्रेग दियां, 19वीं सदी दे अंत दियां अखीं देखियां घटनावां सुना रही सी। उदों मलका विक्टोरिया दा राज सी, चेखोव कहानियां लिख रहा सी, टालस्टाय नावल सोध रहा सी, रेडियो ते बिजली ते मोटर कारा दी दुनिया तो पहली दुनिया। उसने ओ वाक्या सुनाया जदों गार्डन क्रेग मास्को गया ते उसने हैमलेट प्रोड्यूस किया। रूस ते इंकलाब तो पहला दियां गल्लां नाल ही उसने वर्तमान फ्रांसीसी कलाकारां, इंग्लिस्तान दे थिएटर, अमरीका दे टेनेसी विलियम्स ते जर्मनी दे नाटककार बल टोलट दे सिद्धांतां नूं छेड़िया। रोटी चबोलदे होए ओह बोल रही सी। कदी कदी मेरी नज़र उस दी छां वल चली जांदी सी। ओह भूतकाल दी कोई जादूगरनी लगती सी। रात दे 11 बज चुके सन। मैं बूहे नूं बारों कुंडी जड़ के उन्हां पौड़ियां राहीं हेठां उतर आया ते अपने कमरे विच जा के सौं गया। सवेरे जद जागिया तां नौकर ट्रे विच चाह लैके आया सी अते उस विच टाइप कीता होया सारे दिन दा प्रोग्राम सी। 10 बजे स्टूडियो विच काफ़ी पीनी, 11:30 बजे आश्रम दे चौगिरदे दी सैर करनी, 1 बजे खुले वायुमंडल दे थिएटर विच धुप्पे बैठ के लंच खाना, थिएटर दी व्योंत ते उसारी दियां गल्लां करनियां, 3 बजे विश्राम, 4:30 बजे पहाड़ी दी टीसी उत्ते चढ़ के वादी दा नज़ारा करना, 6 बजे चाह, 8 बजे खाना ते जल्दी सौ जाना। मैं ये प्रोग्राम पढ़िया जो नौरा ने राती मेरे चले जान पिछों टाइप किया सी। स्टूडियो दी बालकनी विच निग्गी धुप आ रही सी। इत्थे बैठ के असी कॉफ़ी पीती। मैं पंजाबी नाटक दे मुड बारे जानन लई उतावला सा। मैं कापी उत्ते अपना प्रश्न लिखिया, नौरा तेरी सब तो पहली प्रोडक्शन केड़ी सी? प्रोडक्शन, मैनू इस शब्द तो नफरत है। पिछले 40-50 सालां तो ही ये बीमारी चली है। चंगे नाटक दी थां चंगे प्रोडक्शन ने लै ली है, चंगी अभिनय शैली दी थां सीन सीनरी ने मल ली है। ये चलाकी है, मक्कारी। मैनू मंच उत्ते बहुत दृश्य सज्जा चंगी नहीं लगती। तू गार्डन क्रेग नू पसंद करदा है? गार्डन क्रेग हुण 95 साल दा है। इंग्लिस्तान विच ओ अपने वक्त तो पहला जम पिया। इस सदी दे मुड विच जद इंग्लिस्तान ते रूस यथार्थवाद विच फसे होए सन तां क्रेग नू उन्हां नू अपने कल्पनामई निर्देशन नाल चौंका दित्ता। हुण कुछ सालां तो लोक क्रेग दे सिद्धांतां नू सरोहन लगे हन। उसने रोशनी ते चानण चक्रां राही नवे तजर्बे किते। ओ इसनू रोशनी दी कसीदाकारी आखता है। रोशनी दे करोशिए नाल ओ तरह तरह दे नमूने। तू कावा पी लिया? मैं बहुत उच्चा बोल रही हाँ कि मैनू इंज जापदा है जिवें तैनू सुनदा नहीं। मैं उत्तर दिता, मैनू सब कुछ सुन रहा है, मैं तेरे बहुत नेड़े बैठा हाँ। तू भावें हौली हौली बोल, मैनू फिर भी बोलदी तां मैं हौली हौली हाँ, पर नाटक दियां गल्लां करदिया जोश आ जांदा है, मैथों रह नहीं हुंदा। वेग भरी गल आखदियां तां मेरियां नाड़ां जरक उठदियां ने, पर देख तू की लिखी जांदा है, दिखा मैनू जरा। समझ गई, देखा की लिखिया है तू? उसने मेरी कापी लैके पढ़ना शुरू किया, फिर सिर हिला के आख्या, ठीक कोई गल नहीं, पर एक जगह ए इस शब्द दे हिज्जे गलत हन, ठीक कर लै। मैं आख्या, नौरा तेरी पहली प्रोडक्शन, मेरा मतलब है नंदे दा पहला नाटक दुल्हन तू स्टेज कीता, इस बारे मैनू कुछ दस। दुल्हन बारे की दसा? कोई खास गल नहीं, उन्हीं दिनी भारत विच बहुत भैड़े नाटक खेडे जांदे सन।
हुण वी भैड़े नाटक ही खेडे जांदे हन। मैं सोचिया अपने शागिरदां नूं आखां कोई नाटक लिखण जिस दा विशा भारती होवे, भाषा कोई होवे, बस उस दे पात्र ते वायुमंडल इत्थों दा होवे। इस लई मैं एक गिनी इनाम रखिया। नंदे ने दुल्हन लिखिया ते मैं उसनूं इनाम दिता। दुल्हन चंगा नाटक है, समाजिक असलियत दा बयान है, जबान सोहनी है, इस विच लटकाओ है जो नाटक नूं अखीरी दम तीक आकर्षणमई रखता है। इस पिछों नंदे ने कई एकांगी लिखे पर दुल्हन दे नाटकी तनाव ते कसे होए चौकटे दी रीस ना कर सके। उसके पूरे नाटकां विच्चों सुपद्रा ते लिली दा व्याह चंगे सन। शामू शाह शेक्सपीयर दी नकल है। इस तरह किसे वड्डे नाटककार नूं चीर फाड़ के अपने अर्था समेत पेश करना बुरा है। तर्जमा करो ते नाटककार नाल पूरी दयानतदारी वरतो। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे दी गल नहीं करती। कलात्मक तर्जमा जो असल दी रूह नूं पेश कर सके, किसे नाटक दा चरबा उतार के उसकी खल खिंच के उसके पात्रां नूं नवे कपड़े पहना के पेश करना बेईमानी है। मैं भी इस गुनाह दा दोषी हाँ। मैं लेडी ग्रैगरी दे नाटक नूं राई दा पहाड़ दे रूप विच लिखिया अते उसके एक होर नाटक नूं स्थानक रंग दे के चढ़दा चन्न ना दा नाटक लिखिया। दोहां थावां उत्ते मैं लेडी ग्रैगरी दे मौलक नाटका दा हवाला दिता है अते इन्हां उत्ते आधारित लिखिया है। मैनूं आधारित शब्द तो नफरत है अते उन्हां नाटककारां तो भी जिन्हां विच दयानतदारी नाल तर्जमा करन दा हिया नहीं। मैं दुल्हन दी गल कर रही सां। इह नाटक मैं डायरैक्ट कीता अज तो 50 साल पहला। बड़ा मज़ा आया। इस पिछों दूजे साल फिर मुकाबला होया। नंदे ने बेबे राम पजनी लिखिया अते उसनूं दूजा इनाम मिलिया। नंदे नूं गुस्सा आया ते उसने अपना नाटक फाड़ दिता। नंदा बहुत जिद्दी है, उस विच आकड़ है, मजाज दा हट्ठी है, इस करके उसने इतनी तरक्की नहीं कीती जितनी उसकी प्रतिभा सी। उस विच बहुत खूबियां सन, लगन, जोश, प्रतिभा, रसदार जबान, चुस्त फिक्रे, पर वो खुद बहुत सुस्त है, बड़ा ढिला, शरीर दा भी भारा है। जे उसका मिजाज जरा लचकदार हुंदा अते वो कला दी सिखलाई जारी रखदा तां वो अपने शागिरदा बारे राय दे सकदी हाँ। एक अध्यापक नूं लै दे के इहो तां अख्तियार है। हुण मैं मरण दे नेड़े हाँ, किसे दिन भी मर जावांगी। इस लई सच बोलन दी पहले दिनां दी आदत होर दलेर हो गई है। मैं कटिया होया हिंदसा हाँ। मेरा शरीर हौली हौली पिघल के रूह बन गया है। मैं रूह हाँ कि आदमी शरीर नष्ट होण पिछों भी जीवंदा है। भला दस मन कित्थे वसदा है? दिमाग विच, सीने विच, शरीर दे किसे अंग विच? कि मन निराकार है? जे निराकार है तां इह किवें मर सकदा है? मरण पिछों शायद मन जां रूह हवा विच उड़दी रहिंदी है। मैं अपनी वसीयत कई वार लिखी है, कई वार बदली है। बदलना जीवन दी निशानी है। सच ते झूठ ते परदे हुण तीक खुलदे तुरे जांदे हन। कई गल्लां जो मैं सच समझदी सी झूठ निकलियां, कई झूठियां गल्लां सच साबत होईयां। आदमी किस दा विश्वास करे? मैं ये सारी जमीन ते आश्रम थिएटर लई छड़ना चाहुंदी हाँ। मैं केंद्रीय सरकार नूं, यूनिवर्सिटियां नूं, संस्थावां नूं लिखिया। सारी जमीन चाहुंदे ने मुफ्त, पर थिएटर विच किसे नूं दिलचस्पी नहीं। थिएटर तीन पक्षी असलियत है अते असी सच दी अदुती पद्धर भी तकदे हाँ। ये पद्धर दर्शकां ते खेडण वालियां दे परस्पर रिश्ते नाल उभरदी है। संगीत, कविता ते चित्रकारी दो पक्षी कलावां हन। नाटक विचों तीन पक्ष उजागर हन। जिउंदा जागदा मनुख थिएटर दा माध्यम है। किसी होर कला नूं ये वर नहीं मिलिया। जद नाटक हो रहा हुंदा है
ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਵਨ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨਾਟਕ, ਖਰੜੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਧੌਲਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੋਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਚ ਦਾ ਨੇਪਥੇਅਫੂਸ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਟੀਣ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਹਰਿਆਲਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਮੰਚ ਉਸਾਰੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੱਜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅੰਨੇਵਾਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੁੱਟਵਾਂ ਪਜਾਮਾ ਪਾਈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨੋਰਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੋਰਾ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਥਾਂ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ। ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਨੋਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਥੀਏਟਰ। ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵ ਸਗੂਫੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੀਦਾਸ, ਲੋਰਕਾ, ਟੈਗੋਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਠੱਗ ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਝੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ,
पता नहीं, मैं उड़ीक नहीं सकती, वक्त किथे है, इस लई मैं बेहपल हाँ। ओ दिल्ली एक महीना रही ते पंडित नेहरू तो लैके निक्के तो निक्के अफसर नू मिली। इस तंबू विच उसने स्टूडियो थिएटर ग्रुप कायम किया अते अपने नाट तजर्बे ते विचार दसे। उस दियां गल्लां उस वेले दी नाट चेतना तो अग्गे दियां सन। एक महीना इस तंबू विच उसने नाट आश्रम जारी रखिया। लोग रोटी कपड़े ते मकाना दी अलॉटमेंट विच रुझे हुए सन। इस तांदली विच भी नोरा अपनी गल डट के आखदी रही। इस पिछों ओ अंदरेटे वापस अपने आश्रम चली गई। नोरा विच एक सिरड़ है जो सिर्फ योगियां शहीदां ते सिनकियां विच ही हुंदा है। इस सिरड़ दे सदके नौरा ने पंजाबी विच आज तो 50 साल पहला मंच कायम किया। इस दिनी उसने निरोल नाटक उत्ते रखी। धन्यवाद।